आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों के साथ वन टू वन चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई और 29 सीटों के लिए नामों का पैनल तैयार किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब कांग्रेस की नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और तैयारी को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सदस्यों के साथ वन टू वन चर्चा की गई। खास बात यह रही कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से इनकार के बीच हुई बड़ी बैठक में बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की फिर मांग उठी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने का मुद्दा छाया रहा। 29 लोकसभा के जो प्रभारी हैं, उनकी रिपोर्ट हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की सीनियर मेंबर रजनी पाटिल जी को अपनी रिपोर्ट देंगे और बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि 2 का पैनल बनाओ, 3 का पैनल बनाओ। नाम कई जगह 8-8, 9-9 आए हैं, पर उन्होंने कहा आप शॉर्ट लिस्ट करिए, 2-3 का पैनल बना के दीजिए। और यहाँ कोई इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं होगा कि जो परंपरा एक लाइन का प्रस्ताव करते कि हाई कमान पे छोड़ा जाता है, वो सारी शॉर्टिंग यहीं होके, और मैं समझता हूँ कि अगली बैठक में सिंगल सिंगल नाम हो जाएंगे। क्या कारण है, मोदी जी को कौन सा भय था? चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा था कि उसकी नियुक्ति हम प्रधानमंत्री लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस इंडिया करेगा, क्यों संविधान बदला? अगर ईमानदारी से काम करना चाहते थे, निष्पक्ष चुनाव की मंशा थी, तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का अपमान नहीं करना था। देखिए, ऐसा है कि दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। किसको वो लायक समझते हैं पाठ पढ़ाने के लिए, किसको लायक नहीं समझते हैं वो जाने, लेकिन पाठ जरूर पढ़ लें सही तरीके से और जनता की सेवा करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।